जो देश के दे लोगों दंगा ने सारिया मंग के दिने कानून आ जोड़े वो रद्द करने चाहिए ने और अपनी जी हैंगड़बाजी है अपनी जी आकड़ है मैं समझता वो एक देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा एक जोश है देश के दे लोगों के अपन मंगा मना मैं समझदा हर हालत देश की सरकार को झुकना पेगा और मंगना मंगा जसान दननिया पैनगियाँ बिल्कुल जी केंद्र सरकार जोड़ा अपना रवैया है वह बदलना पेगा ठीक है अज उन्हां दी आकड़ है जिहड़ी वो दिखा रहे ने धौण दे विच उन्हां दे जिहड़ा कीला फसिया वो बिल्कुल निकलूगा। दिल्ली भी असीं दो बार जंतर मंतर ते भी धरने दे चुके हैं पर उस ते मोदी साहब ते जू नहीं सरकी असीं भी इस चीज़ की मांग करते कि जिहड़ी जी एस टी है वह भी हटाई जाए। किसान जथेबंदियां जिथे कि दिल्ली के अज उन्हां वल्लों किसान जथेबंदियां वल्लों भुख हड़ताल जारी करनी सी उत्थे ही फतेहगढ़ साहब तुसीं देख सकदे हो कि जिला कंपलैक्स अगे धरने लगाए गए ने ते उत्थे ही केंद्र सरकार का पिट स्यापा किया जा रहा है। किसानों वल्लों कहा जा रहा है कि जदों तक केंद्र सरकार अपने काले कानून रद्द नहीं कर देंदी उदों तक वह इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे। उत्थे साडे नाल साबका चेयरमैन बलजीत सिंह भुट्टा उन्हां नाल गल करदे उन्हां दा की कहना है। सत श्री अकाल जी जो अज पूरे देश भर के संयुक्त मोर्चा किसान संयुक्त मोर्चा वालों एक कॉल दिती गई सुनेहा दिता गया पूरे देश भर के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के उत्ते जिहड़े रोस मुजाहरे धरने देण लई उहदे विच अज जिला फतेहगढ़ साहब दीआं समूह जथेबंदियां समूह लोकां वालों सर जो भी किसानी नाल जुड़िया होया सारे लोगों ने इत्थे एकत्र होकर असीं अज इत्थे धरना दिता और मैं समझदा अज देश के हुक्मरान नूं देश के प्रधानमंत्री नूं और केंद्र सरकार नूं अज ये गल्लां जो किसानां दीआं मंगां ने दो देश के दे लोगों दंगा ने सारिया मंग के दिने कानून आ जोड़े वो रद्द करने चाहिए ने और अपनी जी हैंगड़बाजी है अपनी जी आकड़ है मैं समझता वो एक देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा एक अज समुचा देश है जोड़ा एक मंच से एक प्लेटफार्म से एक मुद्दे को लैके इकट्ठा होया और अज असी मंग करते हैं भी तुरंत देश का प्रधानमंत्री और देश की केंद्र सरकार जोड़े काले तिने कानून बनाए गए ने खेती विरोधी इन्हों रद्द करे और रद्द करके किसानों ने जिहड़ियां मंगा ने वो मन्ने। जी लंबा समा हो गया किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे ने पर केंद्र सरकार टस तमस नहीं कारण की है। देखो जी केंद्र की सरकार है कुछ कोऑपरेटिव घराने ने जिहड़े उन्होंने अधीन चल रही है उन्होंने पिछले समय जदों भी इलैक्शन हुई देश दे विच उहदे विच बड़ी वड्डी पद्धर ते फंडिंग की और मैं समझदा अज जिहड़ी देश की सरकार है वह उन्हां अदारियां जिहड़े कोऑपरेटिव अदारे ने कुछ लोगों के हत्थों के खेड़ रही है उन्होंने अनुसार ही जी सरकार चला रही है इस करके किसानों की जी मंग है वह मनी नहीं जा रही क्योंकि जोड़े कानून बनाए गए हैं ये कानून उन्होंने शर्तों के अनुसार बनाए गए हैं और जदों पिछले समय देश के करोना आया तो करोना के दौरान जिहड़ा सारी देश की जी डी पी है जी थले गई एक एग्रीकल्चर सैक्टर है जिंद जी डी पी है 2.5% अप हुई और उस गल देख के अज जिहड़ा वो घराने ने जो देखे उन्होंने सारे देश के जिहड़े बिजनेस ने ठप हो गए और केवल तो केवल एग्रीकल्चर सैक्टर है जिहड़ा अप हो रहा और इस कैप्चर करने लई उन्होंने देश की सरकार के उत्ते दबाव पाया और इस करके जिहड़ा अज केंद्र सरकार ने जिहड़े उन्होंने हक के खेती विरोधी कानून बना के साडे उत्ते थोपे ने सो असी मंग करते हैं कि जिहड़े कानून इन्हां नूं रद्द किया जाए। जी हर वर्ग संघर्ष विच किसानां दे नाल हमायत कर रहा पर केंद्र सरकार दीआं हजे किसानां दा कह रहा कि अड़ियर रवैये कारण इह हल नहीं किया जा रहा तो हुण भी किसान जथेबंदी जिहड़े अद भुख हड़ताल जारी आ तो उत्थे भी किसानां वल्लों इह वी नाल बार बार अपील की जा रही है कि जिहड़ा संघर्ष नूं किते ना किते केंद्र सरकार कोई साजिश तहत तार पीड़ो करन दी कोशिश कर रही है। देखो ये गल थोड़ी बिल्कुल सही है भी जो जिन्हें भी जिहड़े उत्थे साजिशां जो चालां जिहड़ियां चलियां जा रही ने अज एक 1947 तो बाद एक सब तो बड़ा अंदोलन 74 साल बाद पहली बार एड्डा बड़ा अंदोलन देश भर के पंजाब तो शुरू होकर अंदोलन बनया और इस अंदोलन नूं तार पिंडो करन लई जिहड़ी केंद्र दी सरकार है वह चालां चल रही है कदे उत्थे लड़कियां भेजदी है कदे नौजवानों नूं भेजदे ने जां कदे होर बड़े हथकंडे इहो जिहे वरत रहे ने भी ये जिहड़ा किसी ना किसी अंदोलन जिहड़ा बिखर जाए अंदोलन खिंड जाए पर मैं समझदा अज बड़ी जिहड़े साडे किसान जथेबंदियां दे आगू ने साडे होर जथेबंदियां दे आगू ने जां साडा नौजवान वर्ग है बजुर्ग ने भैणां मतावां बड़े ही सूझवान तरीके नाल जिहड़ा शांतमय तरीके नाल जिहड़ा धरना दे रहे अज जिहड़ा धरना इह इक बहुत वड्डे विशाल रूप जिहड़ा धार चुक्या अज हर स्टेट तो जिहड़ा किसान है वह अपनियां जमीनां जायदादां अपने हक्कां नूं बचाउण लई दिल्ली वल नूं कूच कर रहा और जिस तरीके नाल अज
जोश है देश के लोगों के अपन मंगा मना। मैं समझदा हर हालत देश की सरकार को झुकना पेगा और मंगा जसान दननिया पैनगियाँ। किसानों का कहना है कि खेती कानून रद्द करने देश की सरकार को झुकना पवेगा। उत्थी साढ़े सहकारी सभा के यूनियन के प्रधान ने बहादुर सिंह जल्ला उन्होंने गल करद उन्होंने वालों भी वे काफले संघर्ष के शामिल होए ने। सत श्रीकाल जी। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। पंजाब राज सहकारी खेतीबाड़ी सहकारी सभावां कर्मचारी यूनियन पंजाब वालों जिहड़ा किसानां दी संघर्ष दे विच पूर्ण हमायत दा जिहड़ा उह कीती गई है ते असीं वध तों वध चढ़ के इस विच सहयोग दे रहे हां। कल नूं वी साडियां 100 दे करीब गड्डियां ने जिहड़ियां उह दिल्ली पंजाब लैवल ते जा रहियां ने ते जिथे असीं किसानां दे नाल मोढे नाल मोढा जुड़ के खड़े हां क्योंकि जे कारपोरेटर सैक्टर पंजाब दे विच एंटर करदा है तो उत्थे कोऑपरेटिव सैक्टर है जिहड़ा किसानां दी मदद दे लई जिहड़ियां पिंडां दे विच मजदूरां दी मदद लई कोऑपरेटिव सोसाइटियां ने सब तो बड़ा जिहड़ा फैक्ट है वह पहलां उन्हां ते होऊगा। सब तो पहलां जिहड़ा कोऑपरेटिव सैक्टर दा ढांचा वह खत्म हो जूगा क्योंकि जिहड़ा कारपोरेट सैक्टर है वह हमेशा ही तो जिन्ना भी इत्थे छोटियां संस्थावां ने चाहे वह कोई अपनी छोटी फैक्ट्री चला रहा है चाहे पेस्टिसाइड दियां दुकानां चला रहे ने जो भी काम कर रहे ने मेरे हिसाब नाल सारे जिहड़े वर्ग ने वह खत्म हो जाणगे। बादल जी तुहानूं लगता कि जिवें कर अज भुख हड़ताल जारी है दिल्ली दे विच किसानां दी ते उहदे तों वी किसान जिहड़ी केंद्र सरकार आ कोई अपना रवैया बदलेगी ते किसानां दे हक च फैसला देवेगी? बिल्कुल जी, केंद्र सरकार नूं जिहड़ा अपना रवैया है वह बदलना पऊगा। ठीक है, अज उन्हां दी आकड़ है जिहड़ी उह दिखा रहे ने ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਫਸਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ 114 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦਮ ਲੈਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੱਚੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰੇਲਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ LSI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ LSI ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ GST ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ GST ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ GST ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। LSI ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ GST ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। D5 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।